अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाह फूड सीक्रेट के किचन से। आज हम बनाएंगे रमज़ान की स्पेशल इफ्तारी के लिए सेब के मीठे गुलगुले, जिसके लिए हमने 2 अदद सेब लिए थे जिनके छिलके हटाकर ऐसे कट कर लिए। 1.5 कप मैदा, 2 अदद अंडे, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दारचीनी का पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 4 टेबल स्पून शुगर, 1 कप दूध। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम एक बाउल लेंगे और इसमें अंडे डालेंगे। अभी हम इन्हें मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसके चीनी ऐड कर देंगे। अंडों को और चीनी को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूध, दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे। साथ में ही हम इसके बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। अभी हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कट किए हुए सेब भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी हम इनकी ग्लेज तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 3 टेबलस्पून दूध लेना है और 4 टेबलस्पून हमें आइसिंग शुगर चाहिए होगी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। ग्लेस हमारी रेडी हो गई है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी हम इन्हें दोबारा एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे। चम्मच के साथ हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर लेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। बाकी के भी हमने सारे फ्राई कर लिए हैं, इन्हें भी हम निकालेंगे। भी अब हम इनकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। सेब के मीठे गुलगुले हमारे रेडी हो चुके हैं और इनको हमने डिश आउट कर लिया है। अभी हमने जो ग्लेज तैयार की थी वो हम इनके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। एप्पल स्वीट गुलगुले हमारे रेडी हो चुके हैं। इसकी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।